हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने बिल्कुल थंब लाइन में सही पढ़ा है कि 50 रुपये से भी कम अमाउंट में आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डिजिटल गोल्ड इतने सस्ते प्राइस में बाय कर सकते हैं, गोल्ड को एक्चुअली बाय करने के बाद आपको कितने चार्जेस देना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगी इसके बाय करने में। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू से। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल गोल्ड बाय करना रहता है तो जैसे आप गोल्ड यहाँ पे आप टाइप करिए, कोई सा भी ऐप खोल लीजिए, जैसे मैंने एंजल का खोला है। तो आपको यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे होंगे दोस्तों, जैसे मैंने गोल्ड लिखा है, गोल्ड के नीचे 3 दिसंबर, 4 फरवरी और 5 अप्रैल, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए आप इसमें फ्यूचर के, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। अभी करेंटली 2 कॉन्ट्रैक्ट के भाव बता रहा है, 3 दिसंबर वाले का क्या बता रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। मैं इसको आपको हाईलाइट कर लेता हूँ, 47,956 रुपये दोस्तों, अभी मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। और 4 फरवरी वाले का दोस्तों 48,077 रुपये, ठीक है। तो अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे जब दोस्तों, तो देखिए अभी मार्केट रन हो रहा है, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा, क्वांटिटी डालूँगा 1, तो एक लॉट यहाँ पे दोस्तों 100 का मल्टीपल है, यानी आप एक क्वांटिटी एक लॉट खरीदना चाहते हैं यहाँ तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको कितना मार्जिन, कितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा दोस्तों, 4,45,040.75 रुपये, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको सस्ते से सस्ता ऑफर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 3 दिसंबर तक एंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से गोल्ड बाय कर सकते हैं। गोल्ड का एक छोटा लॉट भी होता है, माइक्रो गोल्ड, माइक्रो, इसे भी टाइप करके आप बाय करने की कोशिश करेंगे। 10 का मल्टीपल है, यानी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,351.75 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तब आप इसे इसका एक लॉट बाय कर सकते हैं, वो भी 3 नवंबर तक के लिए, ठीक है। आप आगे के कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये तो बहुत महंगा महंगा हुआ, ये हम शायद सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वाला गोल्ड 20, जब भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे गोल्ड 20, इस तरीके से आएगा दोस्तों यहाँ पर NSE और BSE, आप NSE पे क्लिक करिए, इस तरीके से आपको गोल्ड 20 ऐड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जो शेयर मार्केट का टाइम है 9:15 से 3:30 तक, तब ये यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आप। इसे भी आप देखिए दोस्तों, ये इसका 1/100 टाइम्स है, मतलब 41.66 रुपये में आप गोल्ड का, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको स्टॉक डिटेल देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख इसमें मूवमेंट काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। जब भी गोल्ड के प्राइस कम होगा, इसके प्राइस भी कम होंगे, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शन में इसके प्राइस भी बढ़ेंगे। तो आज आप देख सकते हैं लो प्राइस देखिए आप 41.58 रुपये और हाई 41.81 रुपये ओपन हुआ था दोस्तों, 41.79 रुपये। यहाँ पे आपको पूरे दिन भर का बता रहा है दोस्तों इसका, देखिए 52 वीक हाई एंड लो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी 52 वीक लो चल रहा है दोस्तों 35.80 रुपये और हाई 51.20 रुपये। तो दोस्तों काफ़ी कम वॉलेटाइल है, काफ़ी सेफ आप कह सकते हैं इसे, और अभी भी मतलब लो प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो आप इसे ईजिली बाई कर सकते हैं। इसके टेक्निकल चार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं, देखिए दोस्तों बुलिश दिखा रहा है, आप यहाँ पे स्ट्रेटेजीज और बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए मैं बाय करके आपको दिखाना की कोशिश करता हूँ। डिलीवरी में बाय करेंगे तो दोस्तों 41.66 रुपये मात्र आपको 41.66 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में होंगे, तो आप गोल्ड में बाय कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, अगर आप दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और दोस्तों सबका कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत शुभ, अभी दिवाली आने वाली है तो ये काफ़ी अच्छा लकी माना जाता है, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वांटिटी बाय करने में कितना अमाउंट पे करना होगा। इंट्राडे में तो दोस्तों ये जैसे शेयर ट्रेड होता है ना, वैसे ट्रेड कर सकते हैं आप 8.33 पैसा। तो पहले हम डिलीवरी का देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं एप्लीकेबल चार्ज पे क्लिक करूँगा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ब्रोकरेज 0 लगेगा दोस्तों, ट्रांजेक्शन चार्जेस 0, SST 0.04, DP चार्जेस या डीमेट ट्रांजेक्शन 0, सेबी टैक्स भी 0 लगेगा दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी 0.01, GST वगैरह कुछ नहीं लगेगा, यानी आपको दोस्तों मात्र 0.05 पैसा एक क्वांटिटी में बाय करने पे लगेगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा 100 क्वांटिटी करके देखता हूँ तो क्या दिखाता है दोस्तों, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा। आपको 100 क्वांटिटी आप बाय करेंगे तो मात्र 4,166 रुपये में बाय कर सकते हैं। अप्लीकेबल चार्जेस देख लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा है 0.11, STT 4.17, स्टाम्प ड्यूटी ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको 0.62 और GST 0.02, यानी 4.93 रुपये में आपको चार्जेस लगेगा, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगेगा दोस्तों बाय करने में। तो इस तरीके से आप इजीली गोल्ड को बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये गोल्ड 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20
ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है दोस्तों, उसका प्रोडक्ट है, आप इसमें इजीली बाय कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना जरूरी है ताकि कभी भी जब मार्केट गिरेगा तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने की संभावना रहती है। और ऐसे भी अभी अब दिवाली और फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने बाय किया हो तो प्लीज़ लिखिए कितनी क्वांटिटी बाय की और क्या प्राइस पे आपने बाय किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए। और आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसा बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे।